गाइज़ वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को डायरेक्शन और डिस्टेंस के पार्ट वन में पढ़ाया था कुछ बेसिक बातें, और क्या डिस्कस किया था मैंने, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे, इसमें मैं आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाऊंगी पिछली वीडियो के बेस पे, ताकि आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज वाले क्वेश्चन, और कुछ डिग्रीज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आप लोग के सामने, ठीक है। क्या लिखा है, सरिता वॉज फेसिंग साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। ये पिछली क्लास के जैसे ही है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हिंदी इंग्लिश दोनों पे है, आप कुछ इसमें आसानी लगे आप उस लैंग्वेज पर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सरिता वॉज फेसिंग साउथ, मैंने बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, साउथ की तरफ, ईस्ट तरफ फेस है, और कितना चलती है वो 5 किलोमीटर, तो मैंने 5 लिख लिया। अब वो किधर मुड़ती, राइट, मैं इधर देख रही हूँ, मेरा राइट किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो अब कितना चला मैंने, वेस्ट पे कितना गई मैं, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगेन टर्न राइट, अब इधर फेस है, इधर से भी वो क्या करती है, राइट मुड़ती, तो कहाँ पहुँच गई वो, नॉर्थ पे, नॉर्थ पे कितना गई वो, 20 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, सी टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब फिर से वो कितना चल रही है, राइट चल रही, मतलब इधर चल रही है। आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, कितना गई फिर वो, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या करती है, वो यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, किस दिशा में देख रही है और कितनी दूरी पर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगी, मैंने देखा यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 20 - 5 इज इक्वल टू 15, और क्या आ जाएगा, नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा। तो आप लोग को मैंने बताया था जो बड़ी रहता है, जो बड़ी संख्या रहेगी उसकी डायरेक्शन लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या किया, 15 नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब क्या रहा है, ये 10 और ये 10, तो 10 में से मैं जब 10 माइनस कर दूंगी तो कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो कि ये आप लोग के क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा है, राज वॉज फेसिंग नॉर्थ, राज क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, फिर वो क्या करता है, कितना मुड़ता है, फिर वो राइट की तरफ मुड़ता है 180 डिग्री, ये डिग्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देन टर्न टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है कितना, 225 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करता है, अगेन टर्न इन द सेम डायरेक्शन, फिर सेम डायरेक्शन बोलने से इसके पहले जो वो डायरेक्शन मुड़ा था, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसके पहले वो लेफ्ट 225 मुड़ा था, तो अब भी लेफ्ट मुड़ेगा, पर कितना मुड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है। देन टर्न टू द राइट 180 डिग्री, अब वो क्या करता है, उसके बाद राइट मुड़ जाता है कितना, 180 डिग्री पे। एंड फाइनली टर्न टू द राइट, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ता है कितना, 270 डिग्री पे। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताऊंगी बेसिक से भी और ट्रिक से भी, तो आप लोग देखिएगा कि बेसिक ज़्यादा इजी है कि ट्रिक, और डेफिनेटली ट्रिक से हम जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से सॉल्व करना। क्या लिखा है इस पर, नॉर्थ है ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। राज वॉज फेसिंग नॉर्थ, अभी वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ से वो किधर मुड़ता है, राइट की तरफ मुड़ रहा है 180 डिग्री पे, ठीक है। इसका इधर फेस है, राइट मतलब इस साइड हो जाएगा, इस साइड वो कितना गया, 180, मतलब इधर से 180 गया वो, ठीक है। ये 180 आ गया, इतना 180 गया वो, अब कहाँ पे आ गया है, वो साउथ पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करता है, फिर वो लेफ्ट जाता है 225, मतलब आपको पता होगा ये 1, अब लेफ्ट जाता है, इधर देख रहा है, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, तो मैं इधर जब ऐसे मोड़ूंगी तो ये 180 हो गया, और यहाँ तक आ जाऊँगी अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, क्योंकि 180 और 90 कितना होता है, 270। तो मुझे क्या लेना है, 225 लेना है, तो मैं क्या करूँगी, 180 + 45, ठीक है, क्योंकि 180 और 45 कितना हो जाता है मेरा, 225, ठीक है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं 225, साउथ से मुझे जाना है लेफ्ट की तरफ 225, तो ये 180 यहाँ तक का हो गया, और ये कितना हो गया, 225, ठीक है। अब कहाँ पे है वो, यहाँ, इतनी बात आई समझ में, अब वो किधर है, यहाँ पे है, ठीक है।
नॉर्थ और वेस्ट पे। अभी क्या बोल रहा है, 225 के बाद अगेन टर्न सेम डायरेक्शन, मतलब फिर वो क्या जाता है लेफ्ट, मतलब इधर से उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर उसका फेस है, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो लेफ्ट पे फिर वो कितना गया, 45, मतलब कहाँ पहुँच गया वो, 45 होता है ये, कहाँ पहुँच गया वो, अब वेस्ट पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, राइट की तरफ चलता है 180, यहाँ पे वो फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है, राइट की तरफ कितना गया वो 180, मतलब इधर से वापस से आ गया वो कहाँ पे, ईस्ट पे, कितना हो गया 180 पे, ईस्ट पे खड़ा है अभी वो। ठीक है, इस पे ईस्ट पे खड़ा है अभी वो। फिर क्या कहता है, फाइनली टर्न टू द राइट 270, फिर से 270 करता है, मतलब 180 इधर से राइट की तरफ ये हो गया, 270 मतलब 90 और हो गया, तो कहाँ गया वो नॉर्थ पे, तो अभी वो कहाँ पे है नॉर्थ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। आप देख सकते हैं बेसिक से मैंने ये बताया है, यहाँ पे कितना हौच पौच हो रखा है, ये पूरा सॉल्व करते समय डायग्राम हमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें समझ नहीं आता, और एक भी हमारा ध्यान भटका तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को इसे सॉल्व करना सिखाऊंगी मेरी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ट्रिक से हमें कैसे सॉल्व करूँगी, सबसे पहले मैं लिख लूँगी राइट और लेफ्ट। ठीक है, इस ट्रिक को समझिएगा, इससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट और लेफ्ट लिख लिया मैंने, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले किधर मुड़ता है वो राइट की तरफ 180 डिग्री, मैंने लिख लिया 180 डिग्री। फिर किधर मुड़ता है वो लेफ्ट की तरफ, कितना 225 डिग्री। ठीक है, मैंने लेफ्ट पे 225 डिग्री लिख लिया। अगेन टर्न इन द सेम डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट की तरफ फिर कितना वो मुड़ा 45 डिग्री, मैंने लिख लिया 45 डिग्री। फिर क्या करता है वो राइट की तरफ मुड़ रहा है 180 डिग्री, मैंने लिख लिया राइट पे 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करता है राइट पे 270 और मुड़ता है वो, मैंने लिख लिया राइट पे 270। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, 5 और 5 10, कैरी 1 4 2 6 और 1 7 2, ये कितना गया 270, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या गया 0 8 8 16 और 7 23, की 3 हासिल कितनी आ गई 2। ठीक है, 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6, इतना आया मेरा। ठीक है, इतना आया मेरा। अब मैं क्या करूँगी, बड़े वाले में से वैसे ही छोटे वाले को क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो जब मैं 630 में से 270 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया 6 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 2 3, कितना आ रहा है मेरा 360 डिग्री, और किस तरफ आ रहा है मेरा, राइट की तरफ। ठीक है, मैंने लिख लिया राइट की तरफ मेरा आ रहा है 360 डिग्री। अब मैं कैसे करूँगी, मैं बना लूँगी ऐसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, वो किस तरफ फेस कर रखा है, नॉर्थ की तरफ। तो अब मैं सीधे सीधे क्या ले लूँगी, नॉर्थ से राइट की तरफ 360 डिग्री, ये 180 और ये 180, मतलब पूरा सर्कल बन गया, मतलब कहाँ पे आ गया वो नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और मैंने राइट साइड से ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, नॉर्थ। ठीक है, फेस कहाँ पे किया वो नॉर्थ, कैसे पता चला, नॉर्थ था, ईस्ट था, साउथ था और वेस्ट था। यहाँ से जब मैं मुड़ूंगी, यहाँ से जब मैं राइट 360 डिग्री मुड़ूंगी तो मैं कहाँ पे पहुँच गई, वापस से नॉर्थ पे ही पहुँच गई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, आई होप सो कि ये ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी और एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, मोहित इज़ फेसिंग टू द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ अब वो देख रहा है, इसका अभी हमें काम नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, अपने ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, अब राइट की तरफ मुड़ता है वो 180, मैंने लिख लिया 180, अगेन टर्न्स राइट, फिर राइट मुड़ रहा है वो 270, मैंने लिख लिया 270। अब फिर क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आप लोगों को कल बताया था क्लॉकवाइज मतलब राइट और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, और कैसे बताया था उसके लिए आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं कैसे आता है ये। ठीक है, 270 लिख लिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट कितना 3155 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है कितना 135 डिग्री। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू द क्लॉकवाइज, कितना मुड़ रहा है 45 डिग्री, मैंने क्लॉकवाइज पे राइट पे लिख लिया 45 डिग्री। अब मैं वैसे ही दोनों को क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, तो 5 और 5 10, कैरी 1 3 4 5 3 और 1 4। ठीक है, अभी आ गया 5 और 8 और 7 15 15 और 4 19 की 9, कैरी 1
दौड़ दो चार कितना आ रहा है 495 और 450। अब मैं क्या करूँगी 495 में से 450 को माइनस कर दूँगी तो कितना बचेगा 5, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना मेरा 45 डिग्री। किस तरफ बचा? अब भी ये किधर बचा? राइट की तरफ, क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है, तो मैं इसे एक तरफ लिख के रख लूँगी, राइट की तरफ मेरा 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं बना लेती हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फेस किधर था? वेस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब इधर फेस है मेरा, इधर मेरा राइट हो जाएगा, इधर मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर राइट हो गया मेरा, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब कैसे करूँगी मैं इसे? राइट की तरफ मुझे मुड़ना है वेस्ट से 45 डिग्री, मतलब यहाँ से जब मैं ऐसे 45 डिग्री जाऊँगी तो कहाँ पर आ जाऊँगी? यहाँ पर, ठीक है, ये 45 डिग्री मेरा हो जाएगा। तो कहाँ पे आ गई अब मैं? नॉर्थ और वेस्ट पे, ठीक है। तो मेरा फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट से मुझे राइट की तरफ जाना है 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ गई मैं, तो ये क्या है, नॉर्थ और मेरा वेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे आती फिर भी नॉर्थ वेस्ट होता है, यहाँ पे आती फिर भी नॉर्थ वेस्ट होता है, क्योंकि इनके बीच का सारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट ही है, ठीक है। आई होप सो कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे कि 90 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री लिखा है, 270 डिग्री लिखा है, 360 डिग्री लिखा है, 225 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री लिखा है। ये हम आसानी से कर सकते हैं ऐसे, 45, 90, 180 ऐसा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर कभी ऐसा आ जाए 98 डिग्री, 42 डिग्री, 150 डिग्री, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार आप बेसिक से इस तरीके से बना सकते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री को, बट इस वाले को आप कभी भी ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम हमेशा ट्रिक ही यूज़ करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? फिर मैं लिख लूँगी राइट और ये लेफ्ट, ये क्या है मेरा एंटी क्लॉक वाइज, ये क्या है मेरा क्लॉक वाइज, ठीक है। अब क्या करेंगे, सालू वॉज फेसिंग टू द साउथ देन टर्न टू द क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज गई वो 111 डिग्री। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज गई वो 209 डिग्री, ठीक है। अगेन सी टर्न टू द एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज आती है कितना 194, ठीक है। और फिर क्लॉकवाइज आती है वो 321, आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं। देन सी टर्न टू द राइट, अब राइट की तरफ कितना गई 86 डिग्री, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ गई 17 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या करती है वो, रुक जाती है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 2 10 और 1 11 की एक हंसी ला गई, 1 3 और 2 5, इसका आया मेरा 518, ठीक है। राइट की तरफ क्लॉकवाइज की तरफ कितना आ गया 518, इसको ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 9 20, 20 की 0 हंसील कितनी आ गई 2, ठीक है। 9 और 1 10 तो 2 12 की 2 हंसील आ गई 1, ठीक है। अब कितना आ गया 2 3 4 420, राइट में मेरा आ रहा है 518, राइट में मेरा आ रहा है 518 और लेफ्ट में मेरा आ रहा है 420, ठीक है। अब बड़ा कौन सा है? राइट बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दूँगी, कितना बचा 8 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 5 गया 0, तो कितना आ रहा है 98 डिग्री। किस तरफ आ रहा है? राइट की तरफ। कितना आ रहा है? राइट की तरफ आ रहा है 98 डिग्री, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊंगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब फेस किधर है? साउथ की तरफ फेस है, साउथ से जाऊंगी मैं राइट की तरफ, इधर फेस है, इधर मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। साउथ से जब मैं जाऊंगी राइट की तरफ कितना जाना 98, मतलब ये तो कितना आ गया 90, और उसके बाद 8 डिग्री यहीं कहीं पे बीच पे होगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। कैसे पता चला? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, साउथ की तरफ फेस है, मुझे जाना 98 डिग्री राइट की तरफ, तो ये राइट जाऊँगी मैं, इधर मेरा राइट है, तो ये 90 डिग्री हो गया और 8 डिग्री यहाँ कहीं पे आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं इन चारों क्वेश्चन से कितनी इजीली हमने अपनी ट्रिक के साथ इसे सॉल्व कर लिया और बहुत ही कम टाइम पे, ठीक है। तो अब हमारे वीडियो को हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। अगर ये आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।